गुड इवनिंग सभी बच्चों को लूसेंट के परिवार में। साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका लूसेंट की कक्षा में। आज एक तांडव सीरीज है, तांडव सीरीज आज यूनिट बदल गई है क्योंकि यूनिट नंबर 22 बड़ी लंबी चल गई थी जिसमें पल्लव थे, राष्ट्रकूट थे, चोल थे, चालुक्य थे। आज भाई साहब तांडव सीरीज का जो अगला टर्न है वो यूनिट नंबर 23 आपको दिख रहा होगा, जिसमें दिख रहा होगा सीमावर्ती राजवंशों का उदय। और सीमावर्ती राजवंशों का उदय भाई साहब ऐसा ना पढ़ाओ कभी, अगर जिसने ना सीखा हो तो आज सीख के जाना, क्योंकि आज मैं सिखाने वाला हूं आपको पाल वंश, सेन वंश, मैत्रक वंश, गौड़ वंश, ऐसी तैसी कारकोट वंश, उत्पल वंश, सारे वंश सिखा दूंगा जो दिमाग में कंफ्यूजन होती थी सब खत्म आज, ठीक है। और अब मैं तुमको सबको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। इस अप्रैल जो 30 अप्रैल तक का महीना है, 30 अप्रैल तक भाई साहब, 30 अप्रैल तक प्राचीन इतिहास समाप्त हो रही है। पता तुम्हें एक मुकाम हमने हासिल कर लिया, एक मुकाम हमने हासिल कर लिया, और आज का लेक्चर है 21। कौन सा है? 21 है। और बहुत मैं बताना चाहता हूं, मात्र 25 लेक्चर में खल्लास हो गई, प्राचीन इतिहास ऐसी तैसी हो गई। जो वादा किया था पूरा किया हमने, तुम भी अपना वादा पूरा कर दो, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और बवाल मचा दो, कह दो लूसेंट पढ़ लो आके आज। आज से ये मान लो भाई साहब, प्रण कर लो, दिल में आग लगा लो, कदो पढ़ना हो तो आ जाओ, ठीक है। चलो बहुत बच्चों, सभी बच्चों सब गुड इवनिंग मैं कर लेता हूं। बहुत बढ़िया, लाइक शेयर में क्यों धोखा करते हो यार? धोखा करो तो हमारे साथ कम से कम सैड गाने हम सुनेंगे, लाइक शेयर करने से क्या मिलेगा तुम्हें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल विनीत गुड इवनिंग, बुलंद शहर का बदमाश, अच्छा बदमाशों का सर, बहुत बढ़िया। अंजलि क्या बात है, बहुत बढ़िया स्टाइल पसंद आया मेरा पढ़ाने का, बिल्कुल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आदित्य कुमार, खुश रहो बेटा खुश रहो। रुपेश, संध्या, ओम प्रकाश, आदित्य प्रकाश, सपना, बहुत बढ़िया, गजब प्यार। शुभ संध्या सभी साथियों को दिल से नमस्कार। और सबसे जरूरी काम, जितने भी बच्चों के माता पिता हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी बुजुर्ग हैं, इस बालक को आशीर्वाद प्रदान करें और सभी बच्चे अपना प्यार प्रदान करें। और ये बालक जो तुम लोगों का मास्टर है, गुरु है, अपना यूनिट नंबर 23 की शुरुआत करें। तो सभी बुजुर्गों को, माता पिता को राघव सर का प्रणाम। शुरू करते हैं यूनिट नंबर 23, सीमावर्ती राजवंशों का उदय, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में भाई साहब, बहुत बढ़िया जबरदस्त, बहुत बढ़िया जबरदस्त। गुड इवनिंग यार, आग लगाओ एक बार, ठोक दो और दिखा दो ताकत, कह दो राघव सर के लूसेंट की क्लास के बच्चे हैं भाई साहब, ठीक है। प्रदीप जी कह रहे आप हल्ला बहुत करते भाई साहब, हल्ला नहीं करोगे ना गली के लोग तुमको बेकूफ बना के चले जाएंगे भाई साहब। हल्ला करके ही अपनी जंग जीतनी है, याद रखना, हल्ला कर दोगे तो अगल बगल वाले चले जाएंगे। जब एम्बुलेंस चलती है तो केवल हल्ला करते हुए चलती, सारी गाड़ियां इधर उधर चले जाती है। जब अधिकारी की गाड़ी गुजरती है तो हल्ला करती है तो सारी साधन इधर उधर बिधर जाते हैं। तो इसी प्रकार हल्ला बना के रखना भाई साहब, तांडव बना के रखना, याद कर लेना। चलो बहुत बढ़िया, आई लव यू टू पंकज बेटा, आई लव यू टू। चलो बिहार से प्रणाम, बिल्कुल खुश रहो। संध्या, फिरोज का, ननिकेत, क्या गजब है भाई साहब, मजेदार। शुरू किया जाए, बिल्कुल रेडी स्टडी गो। चलो, सीमावर्ती राजवंशों का उदय हमने बहुत अच्छे से दक्षिण भारत का समझा, बहुत अच्छे से सारी चीजों को बहुत अच्छे से कलेक्शन किया। आज जो तांडव होने वाला है वो होने वाला सीमावर्ती राजवंशों का उदय। सीमावर्ती राजवंशों में देखो जबरदस्त मजा आएगा तभी भाई साहब, जब तुम अच्छे से समझोगे भाई साहब। एक वंश हमें यहां पे पढ़ने को मिलेगा जो प्रमुख वंश होगा, वो बंगाल में पढ़ेंगे हम लोग, बंगाल में प्रमुख प्रमुख वंश पढ़ेंगे। देखो बंगाल में सीमावर्ती राजवंशों का मतलब पता तुम्हें? सीमावर्ती राजवंशों का मतलब पता? जो भारत की सीमा दूसरे देशों से लगती हो। और भारत की सीमा कितने विदेशी देशों के साथ लगती है स्थलीय सीमा? तो 7 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, नेपाल। भाई साहब पता चल गया, एक एक प्रश्न न रटवा के छोड़ा तो नाम नहीं हमारा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया जबरदस्त, हां बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया।
अगर तुम पहाड़ हो, अगर तुम पहाड़ हो तो हम विमान जी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बचवा, याद कर लेना। बहुत बढ़िया, गजब। हाँ, टेस्ट सीरीज होगी भाई साहब, अभी अंत तक रहना, आज बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी और अंत तक बने रहना। अंत तक बने रहोगे तो मैं बता रहा हूं, जो टेस्ट सीरीज का वादा था ना, उसके लिए बिल्कुल एक तैयारी कर ली गई है, क्योंकि हमारी प्राचीन इतिहास का क्या होने जा रहा, समापन, विदाई होगी, ठीक है। लेकिन आज नहीं होगी, 30 अप्रैल को होगी। तो भाई साहब बने रहना, जबरदस्त, बिल्कुल, जब तक लड़ूंगा तब तक की जीत नहीं जाता, याद रखो। अरे यार, तुम तो ऐसा शब्द लिख देते हो कि मैं बेचैन हो जाता हूं। बंगाल में कौन कौन से वंश हैं पढ़ने के लिए, तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे बंगाल में एक वंश जिसका नाम है पाल वंश। क्या पढ़ोगे? पाल वंश, सबसे प्रमुख वंश यही है। और यहीं पर एक वंश पढ़ोगे जिसका नाम है सेन वंश, और बंगाल में एक वंश है जिसका नाम है गौड़ वंश। तो बंगाल भी एक प्रकार से क्या है, बंगाल भी सीमावर्ती राज्य में आता है। तो भाई साहब बंगाल में इतने वंश पढ़ेंगे, पाल भी पढ़ेंगे, सेन भी पढ़ेंगे, गौड़ भी पढ़ेंगे। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है सब बच्चों को? बिल्कुल, कत्तई जहर समझ में आ रहा, दिल से भाई साहब समझ में आ रहा, आएगा पक्का आएगा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। फिर भाई साहब बंगाल का पता चल गया, पाल सेन फिर गौड़, फिर देख बालक एक पड़ेगा इधर गुजरात की सीमा। तो यहां पे जो गुजरात की सीमा पड़ेगी, तो गुजरात की सीमा में हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, तो गुजरात में एक वंश जगह पड़ती है, उस गुजरात में जो जगह पड़ती है उसका नाम है वल्लभी। क्या नाम है? वल्लभी। और जो वल्लभी नाम है, वल्लभी में एक वंश हुआ था, उस वंश का पता क्या नाम है, उस वंश का नाम है मैत्रक। क्या नाम है? मैत्रक वंश। लो, एक एक जड़ीले जड़ीले कॉन्सेप्ट दूंगा भाई साहब, ना मजा आया तो बिता देना, बेकार भाई साहब, ठीक। एक एक जड़ीले जड़ीले कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गजब, बिल्कुल यार। लाइक शेयर करो यार, साइंस भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, ऐसी तैसी कर दूंगा पूरी लूसेंड की। चलो भाई साहब, अब तुमको एक चीज बता दें, और कौन सा राजवंश पड़ेगा भारत में तो भी देख लेते हैं। पहले तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते, ऊपर से ज्यादा बन गया था हमसे, कोई बात नहीं, अपने पास ऐसा संसाधन है कि ऊपर वाला हिस्सा हम बाद में बना लेंगे तब भी बन जाएगा। यहां पड़ता है भाई साहब, सबको पता है, यहां पड़ता है कश्मीर का राजवंश। क्या पड़ता है? कश्मीर। सीमावर्ती इधर भी लगता है, तो ये सारे सीमावर्ती राज्यों का उद्भव हो रहा ना, कौन से राज्यों का उद्भव हो रहा, सीमावर्ती, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर देखो भाई साहब, कश्मीर के राजवंश पढ़ेंगे, यहां पर तीन राजवंश, कौन कौन, तो देख लो। सबसे पहला जो वंश कश्मीर का हुआ उसका नाम है कारकोट वंश। क्या नाम है? कारकोट। दूसरे वाले क्या नाम है? उत्पल वंश। कारकोट वंश, उत्पल वंश, और जो अंतिम वंश कश्मीर में पढ़ेंगे उसका नाम है लोहार वंश। भाई साहब एक बार आईएएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, आईएएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, तो भाई साहब जितने मेरे स्टूडेंट थे वो आके कहने लगे, क्या गुरुजी आप क्या जबरदस्त तुम प्रश्न बताते हो, बताते उतना ही हो जितना पेपर में फंसता है। पेपर में प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कश्मीर से संबंधित नहीं था, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कश्मीर से संबंधित नहीं था। ऑप्शन में बड़े प्यार से रखे थे, एग्जामिनर ने सजा के रखे थे, सजा के रखे थे, उनमें रखे थे तीन ऑप्शन, तो यही रख दिए, एक कारकोट, एक उत्पल, एक रख दिया लोहार वंश, और चौथा ऑप्शन उसने ठोक दिया सेन वंश। मेरा बच्चा बोला, सर जी आपने तो बताया था ना कि भाई साहब काउल, काउल, काउल का मतलब क्या होगा, काउल, काउल से को से क्या बना, को से बना कारकोट, ऊ से क्या बना उत्पल और लोहार। अगर ये कहीं इंग्लिश में हिंदी में लिख लो तो ज्यादा अच्छे साजिए। तो बच्चा कहे, सर जी आप हमका एक शब्द बताओ रहे जिसका नाम रहा काउल, क्या कहते थे काउल, काउल का मतलब क्या होता है। भाई साहब काउल का मतलब होता है, का मतलब है कश्मीर के राजवंश, और कश्मीर के राजवंश का मतलब है का से कारकोट, ऊ से मतलब है उत्पल, ला से लोहार। खत्म, खत्म प्रश्न वहीं पे।
फिर उसके बाद किसी ने यह नहीं कहा, चूचा किया ही नहीं। कहने लगा, सर जी आपने तो बताया था काउल, काउल से हमने ठोक दिया सेन को, क्योंकि कश्मीर में सेन तो आता नहीं है। भाई साहब, सेन कहां आता है? सेन आता है बंगाल में। क्लियर? अब भाई साहब, एक बच्चे ने कहा, सर जी बंगाल के भी प्रश्न हमें रटवा दो। तो बंगाल के प्रश्न, तुमको एक चीज बताओ, तुम लोग हंसी मजाक करते हो इंग्लिश में क्या बोलते हो, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। इंग्लिश में जो हंसी मजाक होती है, हम तो हिंदी में करें ठिठोलीपन, ठीक, तुम इंग्लिश में बताओ। कहे कि तुम इंग्लिश मीडियम के ठहरे, हम गांव के ठहरे, तुम्हारी शिकायतें भी हैं कि सर जी तुम्हारा भाषा बहुत अजीब है। भैया, हमारा भाषा वही का समझे जो हमसे प्यार कर दिल से, ठीक। जल्दी से बताओ फटाफट, हाँ बिल्कुल जल्दी से बताओ भाई साहब, बहुत बढ़िया जबरदस्त। काउल का मतलब कश्मीर के राजवंश, कारकोट उत्पल लोहार, काम खत्म काउल का, ठीक। अब बताओ जल्दी इंग्लिश का क्या कहा तू, इंग्लिश का क्या कहा तू? अरे यार, हंसी मजाक का इंग्लिश में कहा गई हो ना, बता भैया ना बताओ। बिल्कुल श्वेता वर्मा, बिल्कुल करेक्ट। गॉसिप, गॉसिप क्या बात है, इंग्लिश में गॉसिप बोलते हैं और गॉसिप को लिखा जाता है ऐसे, गॉसिप लिखा जाता है, गॉसिप लिखा जाता है। और भाई साहब, गॉसिप का मतलब क्या होता है? गॉसिप मतलब हंसी मजाक, कहां? बंगाल में। गो से गौड़ वंश, सा से सेन वंश, पा से पाल वंश, खत्म काम। दो वर्ड याद कर लो, सीमावर्ती राजवंशों में काम खत्म हो गया कि कश्मीर के राजवंश कौन कौन से हैं, कौन कौन से बंगाल के राजवंश हैं। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि गॉसिप कहां पर लगना, काउल कहां लगना। कहां से बना? कहां से बना? कश्मीर। और काउल से बना तीन राजवंश, कारकोट उत्पल लोहार, काम खत्म। गॉसिप मतलब बंगाल में हंसी मजाक ताबड़ तोड़ चल रहा। भाई साहब, रैली हो ही रही, रैली होने का मतलब क्या, जनता हंस रही, रो रही कि सरकार सुनी नहीं रही है, सरकार अपने मस्त, मतलब हंसी मजाक वाला मामला कहां चल रहा बंगाल में, बताओ जल्दी से कमेंट करके। गॉसिप और काउल कई के दिमाग में उतरा कि नहीं उतरा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, तब आगे बढ़वे। अगर तुमका दिल से समझ में आया हो तो फटाफट फटाफट तुम लोग क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। भाई साहब, ये जबरा कॉन्सेप्ट तुमको देंगे ना, तुम कहोगे सर जी तुम क्या पढ़ाए हो, ठीक है, बहुत बढ़िया जबरदस्त। अच्छा पटिया, कल की भी ट्रिक याद है, पटिया क्या बात है, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देते तुम लोग। विवेक, पप्पू, पूजा मालविया, निहाल, रोशनी, ज्योति, अनुज, क्या बात है, मजा आ गई, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया। आग लगा दी भाई साहब, आग तो तब लगेगी जब यहाँ पे 1000 बच्चे वाचिंग करेंगे, जिस दिन उस दिन केक केक कटेगा, भले मैं अपने 250-300 रुपया फूंक दूं कोई बात नहीं, लेकिन केक जरूर काटूंगा खुशी में केवल, ठीक है। और भाई साहब बहुत बढ़िया, क्या बात है, हाँ आ गया, चल भाई साहब इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई साहब, इस तरह हमने देखा भारत की सीमा किधर किधर फैली हुई है। इधर तो दक्षिणी सीमा समुद्र पड़ जाता है तो इधर कुछ होगा नहीं, बाकी बची थी तीन सीमा, भाई साहब इधर पड़ जाता है समुद्र, हिंद महासागर, क्योंकि समुद्री संबंध किससे, श्रीलंका से, लेकिन इधर बचा था, इधर बचा था, तो इधर बचा था। यहां पर बनेगा कौन, बंगाल के राजवंश, यहां पर बन गया कश्मीर के, यहां पर बन गया गुजरात के, काम खत्म कर दिया तुम्हारा, दिमाग में उतर गया होगा सीमावर्ती, सीमावर्ती राजवंश का क्या है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल कंप्लीट हिस्ट्री, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया, क्या बात है भाई साहब, तुमने तो लाइक भी ठोक दिया, शेयर भी ठोक दिया, लेकिन क्या बताएं 1000 बच्चों का तांडव कब देखने को मिलेगा। चलो इतनी बात समझ में आ गई, अब शुरुआत करते हैं इन वंशों का। सबसे पहले कौन सा शब्द उठाएं, हंसी मजाक वाला मतलब गॉसिप, गॉसिप में चलते हैं। और गॉसिप में भाई साहब सबसे पहले पढ़ाई करते हैं पाल वंश की, ठीक है। तो क्लियर हो गई, अगर तुमसे बच्चा पूछा जाए, तुमसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का राजवंश है या नहीं है, तो बच्चा जबरदस्त ट्रिक लगा के आओगे, क्या लगा के आओगे, गॉसिप।
और जबरदस्त ऐसी लगा के यो काउल, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल जबरदस्त। हाँ अब आगे देखो, सबसे पहले शुरू करते बंगाल वंश। अच्छा स्क्रीनशॉट लोगे, ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बात करते बंगाल वंश की बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो हेडिंग लगाओ बच्चा, पाल वंश, बंगाल का वंश है जिसका नाम है पाल वंश। पाल वंश के बारे में बालक पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहला बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आता है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो बच्चा बच्चे को पता है पाल वंश का फाउंडर कौन था। पाल वंश के संस्थापक थे जिनका नाम था गोपाल, क्या नाम था, गोपाल साहब, क्लियर है। अब गोपाल के बारे में बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न आते हैं, गोपाल के बारे में बहुत बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न आते हैं कि पाल वंश ने अपनी कैपिटल किसे बनाया, मतलब गोपाल ने अपनी कैपिटल किसे बनाया, राजधानी। तो याद रखिएगा पाल वंश की राजधानी शुरुआत में मुंगेर थी, क्या थी, मुंगेर। अब वहीं पे पाल वंश का शासन चल रहा था, बंगाल और बिहार वाला एरिया लग रहा था, तो इन्होंने क्या किया, एक जगह पड़ती थी, गोपाल ने एक काम किया बहुत प्यारा सा काम किया, एक जगह पड़ती थी जिसका नाम था ओदंतपुरी, ओदंतपुरी। और भाई साहब ओदंतपुरी कहां पड़ता, तो याद रखिएगा ओदंतपुरी पड़ता है बिहार में, ओदंतपुरी पड़ता है बिहार में। और भाई साहब याद रखिएगा गोपाल ने ओदंतपुरी में क्या किया, एक यूनिवर्सिटी बनवाई, एक विश्वविद्यालय बनवाया। तो पेपर में एक बार नहीं हजार बार प्रश्न पूछा गया कि भाई साहब ओदंतपुरी में, ओदंतपुरी का विश्वविद्यालय किसने बनवाया, ओदंतपुरी का विश्वविद्यालय किसने बनवाया, तो बच्चा बच्चा बोल देगा ओदंतपुरी का विश्वविद्यालय गोपाल ने बनवाया, बोलो जय श्री कृष्ण, क्लियर है। ओदंतपुरी का विश्वविद्यालय किसने बनवाया, गोपाल ने बनवाया, बोलो जय श्री कृष्ण, क्लियर है, बहुत बढ़िया। इतनी बातें उम्मीद करते क्लियर है, जबरदस्त अंदाज में बहुत बढ़िया, समझदार बिल्कुल। अरे भाई साहब रीवा या तो क्या पढ़ रहे हैं आपका कमेंट भाई साहब, हाँ फालतू का परेशान मत करना, जबरदस्ती का परेशान करता है बिल्कुल। संध्या जी, पप्पू, एक कमेंट दस बार नहीं आना चाहिए, पहले बता रहा हूं, नहीं ब्लॉक मारूंगा सबको। भाई साहब गोपाल समझ में आ गया, गोपाल में उसके बाद कुछ दूसरा ना पढ़ना, गोपाल के बाद जो अगला शासक पढ़ोगे वो पढ़ोगे धर्मपाल, और जितने शासक होंगे उनको हम गोले में बंद कर देंगे। गोपाल के बाद जो अगला शासक होगा उसका नाम होगा धर्मपाल, और धर्मपाल के बारे में बता दें कि धर्मपाल जो था वो पाल वंश का सबसे महान शासक हुआ, पाल वंश का सबसे प्रतापी एवं महान शासक कौन हुआ, उसका नाम था धर्मपाल। क्योंकि धर्मपाल जो व्यक्ति था ना, आप याद करो जब आप पढ़ रहे थे राष्ट्रकूट वंश, जहां पर आपने पढ़ा था कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष, क्या पढ़ा था, कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष। और त्रिपक्षी संघर्ष का मतलब क्या हुआ करता था, त्रिपक्षी संघर्ष का मतलब हुआ करता था इसमें कितने वंश आके लड़ गए, इसमें आके लड़ गए तीन वंश, तभी तो इसका नाम पड़ा त्रिपक्षी संघर्ष। त्रिपक्षी संघर्ष का मतलब तीन वंश आके लड़ गए, वो तीन वंश कौन कौन से थे तो देख लो, एक कन्नौज के लिए कौन कौन लड़े थे, एक लड़ा था पाल वंश का शासक, और पाल वंश का जो व्यक्ति लड़ा था उसका नाम क्या था भाई साहब, जो शासक हम पढ़ रहे होंगे धर्मपाल ही थे। दूसरे कौन थे, दूसरे थे एक राष्ट्रकूट का शासक लड़ा था, ठीक, और राष्ट्रकूट का, और एक लड़ा था गुर्जर प्रतिहार का, गुर्जर प्रतिहार वंश का। ये तीनों वंश हो गए थे, ये तीनों वंश हो गए थे। यहां पे शासक कौन कौन था, पाल वंश का तो धर्मपाल था जिसने कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया था, बहुत अच्छे से पेपर में हमने बताया था इसको। राष्ट्रकूट की तरफ से कौन था, तो राष्ट्रकूट की तरफ से ध्रुव थे, ध्रुव। गुर्जर प्रतिहार की तरफ से कौन था, वत्सराज थे, वत्सराज। तो भाई साहब ये तीन शासक थे, तीन वंश के थे जिन्होंने कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया था। हमने इसको रटवा के छोड़ा था, पेपर में एक बार नहीं हजार बार पूछा गया,
कि भाई साहब कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किन 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 वंशों के बीच था, तो भाई साहब तीन वंशों के बीच में, एक पाल वंश, एक राष्ट्रकूट वंश, एक गुर्जर प्रतिहार। थोड़ा सा एक डीप में प्रश्न चला गया कि राष्ट्रकूटों की तरफ से भाग किसने लिया, ध्रुव ने भाग लिया, और ध्रुव को ही धारावर्ष कहते थे। गुर्जर प्रतिहार की तरफ से किसने भाग लिया, वत्सराज ने भाग लिया। पाल वंश की तरफ किसने भाग लिया, धर्मपाल ने लिया। सारे प्रश्न बिल्कुल फ्लो में आप उड़ा दोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जबरदस्त, बहुत बढ़िया। शुभम तिवारी आप बहुत अच्छा रीड करवाते हैं, सारा क्लास में कंप्लीट हो जाता है, बट फिर भी हम नोट्स बना रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, नोट्स आप बनाते रहो, जो बच्चा नोट्स बना ले गया जबरदस्त उसको समझ में आएगा, और जो बच्चा नोट्स नहीं बनाया भाई साहब आराम करे, आराम फरमाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर भाई साहब समझो बहुत ध्यान से, धर्मपाल, धर्मपाल की उपाधि देख लो, धर्मपाल की उपाधि, एक तो महत्वपूर्ण यह चीज थी, दूसरी चीज इनकी उपाधि, एक उपाधि का नाम था जिसको कहते थे परम सौगात, परम सौगात। एक दूसरी उपाधि थी जिसका नाम था उत्तरापथ स्वामी, उत्तरापथ स्वामी। अब पेपर में बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि उत्तरापथ स्वामी उपाधि किसने दी, मतलब उत्तरापथ स्वामी किसने कहा, तो याद रखिएगा उत्तरापथ स्वामी कहा था एक कवि का नाम था जिसका नाम था सोड्ढल, सोड्ढल ये कवि थे, और ये कहां के कवि थे, तो याद रखना ये कवि थे गुजराती कवि थे, गुजराती कवि सोड्ढल ने धर्मपाल को क्या कहा था, धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा था, किसने कहा था, सोड्ढल ने कहा था, याद कर लो अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। उत्तरापथ का स्वामी किसे कहा गया, तो भाई साहब वो कहा गया धर्मपाल को, और धर्मपाल को किसने कहा, गुजराती कवि सोड्ढल ने कहा। तो उम्मीद करते इतना प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यहां पे कुछ बच्चों को हम ब्लॉक करते हैं, एक तो विवेक यादव को ब्लॉक कर देते हम, ठीक है, क्योंकि ये लोग अति ज्यादा मचा हैं, तो इनकी अति हम निकाल देंगे। राघव सर के चीते हैं, लाल बत्ती के लिए जीते हैं, क्या बात है भाई साहब, दिल खुश कर देते हो तुम लोग ऐसे कमेंट करके। हाँ चलिए जबरदस्त, मजा आ रहा है भाई साहब, मजा ना आए तो बेकार है यार, फिर हमारा पढ़ाना ही। हाँ बिल्कुल, बस भाई साहब तुमको समझाना ही हमारा कर्तव्य, इतना याद कर लेना, बाकी कुछ नहीं, अपना कर्तव्य, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई साहब, इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गई होगी, जबरदस्त तरीके से। फिर भाई साहब इन्होंने एक विश्वविद्यालय बनवाया ओदंतपुरी का, किसने, गोपाल ने, गोपाल ने बनवाया ओदंतपुरी, ओदंतपुरी किसने बनाया, गोपाल ने, गोपाल ने क्या बनाया, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, कहां पड़ता, बिहार में, रट गया, ठीक। फिर भाई साहब सबसे अगला प्रश्न आता, बड़े जबरदस्त प्रश्न आता, उसका नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्या नाम था, विक्रमशिला। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, गोपाल, 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 क्लियर। फिर भाई साहब यहां पे याद रखिएगा धर्मपाल, धर्मपाल के बारे में याद कर लो, इन्होंने भी एक विश्वविद्यालय बनवा दिया, इन्होंने भी एक यूनिवर्सिटी बना दी। तो इससे पता यह चला कि पाल वंश के राजा जो थे पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत तेज थे, बच्चन का पढ़ावे खातिर बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ थे, बिल्कुल मजेदार थे, ठीक है, बहुत ही डेडिकेट राजा थे। और मैं बताना चाहता हूं धर्मपाल ने कौन सा विश्वविद्यालय बनवाया, उस विश्वविद्यालय का नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनवाई, तो भाई साहब याद कर लेना विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई किसने, धर्मपाल ने। फिर यहीं पे याद कर लेना ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनाया, गोपाल ने, गोपाल ने, गोपाल ने, धर्मपाल विक्रमशिला, धर्मपाल विक्रमशिला, धर्मपाल विक्रमशिला, ओदंतपुरी गोपाल, रट गया भाई साहब, कैसे रटवाऊं, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। हाँ अरे यार शेयर लाइक में क्यों कमी है, तांडव सीरीज है, तांडव सीरीज मतलब तांडव तुम्हारा भी जारी होना चाहिए, सिर्फ मेरा ही तांडव ना रहे, ठीक है बहुत बढ़िया। निधि ओझा बिल्कुल, आदित्य प्रकाश भाई साहब देखो तुम लोग, आदित्य प्रीति प्रवीण भाई साहब तुम लोग शेयर नहीं करते यार, पता है दिल में चोट लगती है, और भाई साहब तुम नहीं शेयर करोगे यार मैं किससे कहूंगा यार, ठीक है मेरी यार थोड़ा सा तो बात समझा करो यार, राघव सर इतने प्यार से तुम लोगों से कहते हैं क्योंकि तुम लोग इतने प्यारे हो हमारे लिए, ठीक है चलो क्लियर, इतनी बात क्लियर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है, बिहार में,
ठीक है, बिहार में। इतनी बार रट गई, रट गई, दिमाग बैठ गई, बढ़िया। भाई साहब हमने पाल वंश का गोपाल बता दिया, मेरा प्यारा गोपाल जिसकी राजधानी मुंगेर थी, संस्थापक था पाल वंश का, और इसने एक विश्वविद्यालय बनवा दिया जिसका नाम था उदंतपुरी, उदंतपुरी जो पड़ता है बिहार में। कोई डाउट? नो डाउट। रट गया, बहुत बढ़िया। हम बिपिन बिहारी को ब्लॉक कर दें जरा, देखो जितने जितने बच्चों को बदतमीजी आएगी हम सबको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि हमने सीख लिया है ब्लॉक कैसे किया जाता है, ठीक है बच्चा? चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ अरे यार लक्ष्मी बेटा बीपीएससी में काम आएगा। अरे भाई साहब एक बार पता करो जाके, और जितने यहाँ पे जितने बच्चे हैं ना, मैं बताना चाहता हूँ मेरा पेट कोर्स तो है त्रिशूल बैच, बहुत ही रेयर केस में है, इस समय 10% ऑफ भी चल रहा है पता है। आप महंगे महंगे संस्थानों के एक बार कोर्स लेके देख लो, तुम्हें ना विश्वास हो एक बार कोर्स लेके देख लो, या जो मित्र ने लिया हो तो उससे जरा एक वीडियो जाकर देख लो, मेरा वीडियो और वहाँ का वीडियो, मेरा फ्री का वीडियो, मेरा फ्री का वीडियो, कोई चार्ज नहीं। यूट्यूब में केवल आके लाइक शेयर ठोकना है, तो तुम्हें इतने कष्ट हो रहे हैं, एक बार उनका जरा पेड कोर्स का क्लास देख लेना जाके, सबका देख लेना जाके, और फिर हमसे बताना है कि सर जी आपका फ्री बढ़िया था कि पेड बढ़िया था। और जितना बच्चा यहाँ पढ़ रहा, मैं बताना चाहता हूँ कम से कम 70-80% बच्चे पेड कोर्स किसी ना किसी का देख चुके हैं। पेड का मतलब यह नहीं होता सिर्फ ऑनलाइन, भाई साहब पेड का मतलब होता ऑफलाइन में भी जाके तो पैसा दिए हो तुम लोग, नहीं दियो सर जी लो 700 रुपया महीना, 1000 रुपया महीना, 1500 रुपया महीना, कोई पैकेज दिया 10,000, 20,000, 15,000, 50,000 सब लोग दियो, लेकिन कभी भी तुम लोग अंदाज नहीं लगा पा रहे हो कि राघव सर इतनी मेहनत कर रहे हो, तुमसे डायरेक्ट कंट एक प्रकार से ये मान लो इतना बेहतरीन यार एक एक चीज बता रहे, मुझे ऐसी पढ़ाई मिली होती कसम से यार दिल तो भावुक होता, साथ में मानो जन्नत मिल गई होती, भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूं। चलो तो भाई साहब याद कर लो एक बार पेड और फ्री में अंतर कर लो, और जो बच्चे पेड पढ़ लेना उनका जरा एशियन हिस्ट्री का नोट्स उठा के देख लेना, और बड़ी बड़ी संस्थानों का देख लेना, रटवाया है लोगों ने, ये लो ये लो ये लो ये लो, कंप्यूटर से छाप के नोट्स दे देते हैं तुम्हारे लिए नोट्स हो गए। भाई साहब तुमको फ्री में मटेरियल इतना अच्छा मिल रहा है, इसको बनाओगे ना जो देखेगा कायल हो जाता, तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, वो कहेगा भाई साहब क्या पढ़े हो क्या बनाए हो। और मैं भी बता रहा हूं जो ये तुम बनाओगे ना तुम्हारे से कोई बना भी नहीं सकता, किसी की हिम्मत भी नहीं है। क्यों नहीं हिम्मत है? क्योंकि उसने क्लास नहीं अटेंड किए, वो भूल जाएगा क्या थे सोठल क्या थे परम सौगात। अभी तो मैं तुम्हारी तुम्हारे समझने के लिए बहुत सारी चीजें लिख देता हूं, बट अभी यहां पर थोड़ी थोड़ी हटाने लगो तो कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है? याद कर लो भाई साहब। अरे भाई साहब जिसको देखो डिसलाइक करना हो करने दो यार, कोई बात नहीं, ठीक है? जिसको डिसलाइक करना हो जिसको जाना हो चले जाने दो, बस मेरा कर्तव्य है कि मैं एक कंटेंट देने के लिए करीब कुछ नहीं तो 4-5 घंटे तो मेहनत करता हूं, क्योंकि एक किताब तो पढ़ता नहीं हूं, 10 किताबें रखता हूं, 10 किताबें जैसे एनसीईआरटी भी आवश्यक है, और जो जो बुक हमें लगेगी उसके बाद प्रैक्टिस पेपर भी रखते हैं जितना आईएएस का पीसीएस का वनडे एग्जाम का सबका, उसके बाद वो टॉपिक हम डिलीवर मारते हैं। भाई साहब ऐसे वैसे डिलीवर नहीं होता ये याद रख लीजिएगा, ठीक है? एक बार तुम हम पे विश्वास रखो यार, विश्वास, और मिला लेना जाके नोट्स यार, गारंटी दे रहा हूं हार जाऊं तो बता देना, ठीक है? गारंटी दे रहा हूं, हमारा एक ही लक्ष्य है अपने उन्नाव को दूर तक ले जाना, और कोई लक्ष्य नहीं है, उन्नाव को दूर तक ले जाना बस। जॉब करता था छोड़ दिया, गवर्नमेंट जॉब थी छोड़ दी, इसलिए छोड़ दी, सिर्फ एक लक्ष्य है उन्नाव को दूर तक ले जाना, उन्नाव को एक टीचिंग प्लेटफॉर्म में दर्ज कराना कि हाँ मेरा उन्नाव भी यूट्यूब में आगे है, दिल्ली मुंबई मेरठ जैसे बड़े बड़े शहर से क्लासें निकल रही हैं, ठीक है? भाई साहब चाहे जो पढ़ाता हो चाहे जो टीचर दे रहा हो तुम्हें फ्री में कंटेंट, मेरा कंटेंट मिलाना दूसरे का मिला लेना। 21 आज 21वीं क्लास है 21, और मैं बोल रहा हूं 2-3 या ज्यादा ज्यादा 25 क्लास प्राचीन इतिहास की ऐसी तैसी हो गई, कुछ बचा नहीं है, हिला के रख दिया प्राचीन इतिहास को, और एक एक ऐसा नहीं है आया मुंह ठाक चला आया, हाँ बच्चा आज गुप्त वंश लिखो मौर्य वंश लिखो, ऐसा कुछ नहीं किया,
आया हूं भाई साहब, जब जब आया हूं तब तब एक एक नया कंटेंट लेके आऊं, ऐसा कंटेंट जो तुमको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए टीचर की वैल्यू करो यार, टीचर को गलत मत समझो, भले तुम अपना भाई कह लो, दोस्त कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कह दो टीचर की इज्जत नहीं करना जानते तो बेकार है भाई साहब। टीचर की इज्जत करना सीख लो, सभी बच्चे बोल रहा हूं मैं। बहुत बच्चे कह रहे कि एग्जाम तक कैसे याद रहेगा, मैं बताना चाहता हूं एग्जाम तक कैसे याद रहेगा, केवल रिवीजन मार मेरे बालक, रिवीजन मार, ठीक है, और अंत तक रहना। आज मैं ऐसा सरप्राइज दूंगा तुम्हें खुद लगेगा, हां सर हमारे लिए सच में मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। केवल हमारे उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला फेमस हो जाए एक बार, और कुछ नहीं चाहिए, पता चल जाए कि हां हजारों की संख्या में उन्नाव जिलों से राघव सर एक लूसेंट के हैं, वो पढ़ाते हैं, तुम लोग अपने गली मोहल्ले में बस इतना बताने लगो कि राघव सर पढ़ाते हैं, भाई साहब दिल में याद तसल्ली मिलेगी, याद कर लेना, और जिसको जो बोलना बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब मेरे पास मैं वीडियो शूट करके डालता था, 5 व्यू आते थे, 10 व्यू आते थे, 50 व्यू आते थे, तब भी पढ़ाता था, आज 500 आने लगे तब भी पढ़ा रहा हूं, 5000 आने लगे तब भी पढ़ा रहा हूं, और पहली वीडियो में तो आप लोग जानते हो 2,00,000 व्यू हो गए, पता है तुम्हें, धीरे धीरे पॉपुलर कर रहे हो तुम। लेकिन बात यह है कि अगर तुम सम्मान ना दे पाओ तो बेकार है भाई साहब, सम्मान देना सीख लो सभी लोग। बिपिन भाई साहब कौन है, चलो बिल्कुल सफलता यार मिलेगी, हम बता तो रहे हैं, चलो हाँ इतनी बात समझ में आ गई। धर्मपाल के बारे में पूरा काम खत्म हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते, ठीक है, चलो। तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी, धर्मपाल के बाद जो अगला शासक पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे देवपाल के बारे में, देवपाल के बारे में, इसको यहां पे लगा देते हैं, जाओ आज इसको कहां भेज देते, आज मौसी के यहां भेज देते, कल नाना के यहां गया था, नानी के यहां भी गया था, आज मौसी के यहां भेज देते थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मौसी के यहां भेज देते, आज मौसी मौसा के यहां रहेगा ये। फिर भाई साहब बात करते हैं हम लोग किसकी, देवपाल के बारे में, देवपाल के बारे में देखते हैं, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है, देखो देवपाल लगा लेते हैं यहां पर, देवपाल के बारे में समझते हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, क्या है, तो देवपाल का प्रश्न आता सबसे पहले तो इसके समय कैपिटल क्या थी पालवंश की, तो मुंगेरी थी, ठीक है, क्या थी, मुंगेरी थी, और इसके समय में एक कवि हुआ करते थे, इनके दरबार में एक कवि हुआ करते थे, उन कवि का नाम था ब्रजदत्त, ब्रजदत्त, और ब्रजदत्त की पुस्तक का क्या नाम था, तो याद कर लेना, इनकी बुक का जो नाम था उसको कहते थे लोकेश्वर शतक, लोकेश्वर शतक, तो लोकेश्वर शतक किसकी बुक का नाम था, तो लोकेश्वर शतक पुस्तक का नाम था ब्रजदत्त की, और ब्रजदत्त किसके दरबार के कभी हुआ करते थे, देवपाल के, क्लियर हो गई बात, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई बात, इतनी बात याद रखना। अब देवपाल के बारे में मैं बताना चाहता हूं, बहुत अच्छी चीज, ये जो पाल वंश के जितने भी राजा थे ये सारे के सारे बौद्ध धर्मों को मानते थे, और बौद्ध धर्म को इतना ज्यादा ये मानते थे, इतना ज्यादा प्रेफर देते थे कि गोपाल ने ओदंतपुरी में एक विश्वविद्यालय बनवा दिया, लेकिन देवपाल ने क्या किया, इसने भी ओदंतपुरी में एक काम किया, इसने भी ओदंतपुरी में एक काम किया, ओदंतपुरी में इसने क्या बनवा दिया, तो ओदंतपुरी में इसने एक बौद्ध मठ बनवा दिया। तो पेपर में दो प्रश्न आएंगे, लपेट देना, क्या क्या लपेट दोगे, कि ओदंतपुरी में विश्वविद्यालय किसने बनवाया, गोपाल ने, ओदंतपुरी में बौद्ध मठ की स्थापना किसने करवाई, देवपाल ने, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जबरदस्त समझ में आया, बहुत बढ़िया, हां जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। प्रीति शर्मा जी, आदित्य प्रकाश, ब्रजदूत,
सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा रीडिंग कर रहे हैं। चलो हाँ स्क्रीनशॉट लेते रहो इधर। फिर भाई साहब देखो, अब इधर अगला जो शासक मिलेगा आपको वो मिलेगा महिपाल। महिपाल, और महिपाल कौन सा था? फर्स्ट। कल ही हमने सब बच्चों को कौन सा वंश पढ़ाया था? कल ही हमने पढ़ाया था चोल वंश। कल ही हमने कौन सा वंश पढ़ाया था? चोल वंश। तो चोल वंश में क्या घटना घटी थी पता है? सबको पता भी होगी लेकिन बताएगा कोई नहीं। भाई साहब घटना यह घटी थी कि महिपाल फर्स्ट पाल वंश का शासक था। इनके समय में, इनके समय में राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण किया था, बंगाल पर आक्रमण किया था। और राजेंद्र प्रथम किस वंश का राजा था? और राजेंद्र प्रथम जो था वो चोल साम्राज्य का राजा था। किस साम्राज्य का? चोल साम्राज्य का, या चोल वंश का। चोल वंश का राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। किसको हराया? महिपाल को। वहां पे हरा के बंगाल की खाड़ी को झील में परिवर्तित कर दिया। किसने कर दिया? राजेंद्र प्रथम ने। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। कहां से हो रही क्लास निधि जी पूछ रही है? ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से हो रही है। ठीक है चलिए, हाँ इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब यहीं पे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्या याद रखोगे? अंतिम शासक, पाल वंश का अंतिम शासक बता दूं मैं आपको। अंतिम शासक याद कर लो जिसका नाम है रामपाल। रामपाल भाई साहब, इस प्रकार पूरा का पूरा पाल वंश का क्या हो जाता? समाप्त। पाल वंश पूरा यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। गजब, बिल्कुल शर्मिला मौर्य आज पहली बार आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। आशुतोष शर्मा जी सर बहुत खूबसूरत पढ़ा रहे हो। बेटा मैं पढ़ाता रहूंगा, बिल्कुल अच्छा अच्छा तुमको मजा आ जाएगा, बिल्कुल गारंटी बता रहा हूं। बस अपने अपने गांव गली मोहल्ले में यार वीडियो फेंक दो, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को फेंक दो, बस इतना मान चलो। अगर तुमने एक बार वीडियो को फेंक दी काम खत्म। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा सर कौन सा जॉब करते थे? भाई साहब गवर्नमेंट जॉब में था, ठीक है सिविल कोर्ट में एम्प्लॉय था मैं। चलो बहुत अच्छे टॉपिक समझाते हैं आनंद जी, बहुत बढ़िया। सत्या आदित्य प्रकाश बिल्कुल जबरदस्त। बहुत बढ़िया, हाँ इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब भाई साहब बात समझो, रामपाल के दरबार में एक कवि रहते थे, उन कवि का नाम था, जिसका नाम था जीमूतवाहन। जीमूतवाहन, और जीमूतवाहन की एक पुस्तक इतनी फेवरेट है कि चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, दे दनादन पूछता है। बच्चा पढ़ता ही नहीं, क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि उसको लगता है पालवन से पेपर में प्रश्न आते ही नहीं। तो इनकी पुस्तक का नाम था दाय भाग। अरे दैया भाग जाओ, बरैया अगर काट खाइस तो मतलब दैया दैया के भाग जाओ, मतलब दाय भाग। क्योंकि ये जीमूतवाहन, जीमूतवाहन लेखक है और बुक है दाय भाग। क्लियर है? ये रामपाल के दरबार में रहते थे। तो इस प्रकार पूरा का पूरा पाल वंश का पूरा मामला क्या हो जाएगा? समाप्त। अब पाल वंश के बाद भाई साहब याद करो, पाल वंश के हमने ट्रिक क्या बताई थी? एक बार रिमाइंड करो फटाफट, दिखा देता हूं मैं। पाल वंश की ट्रिक हमने क्या बताई थी? तो देखो पाल वंश की हमने ट्रिक बताई थी गॉसिप। गॉसिप का मतलब क्या था? गौड़ वंश, सेन वंश, पाल वंश। तो पाल वंश तो खत्म हो गया, अब अगला कौन आएगा? सेन वंश। तो भाई साहब सब लोग तैयार हो जाओ फटाफट, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद तैयार हो जाओ सेन वंश के लिए। बिल्कुल आज गर्मी भाई साहब बहुत है, बस मजबूरी है कि एसी नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि कोरोना फैल रहा और एसी से कोरोना ज्यादा बढ़ता है। ठीक है बिल्कुल। मिट्टी जी आपके पास लूसेंट है, आप नोट्स बनाती नहीं? बनाती नहीं है लूसेंट। अगर नोट्स आप हमारे वीडियो देख के बनाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल गुरु लीला। देखो भाई साहब एक चीज और बताना चाहते हैं सभी बच्चों को, भाई साहब सभी बच्चों को। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर कि आप क्वेश्चन सीरीज कहां करवाएंगे? क्वेश्चन सीरीज मैं आपको करवाऊंगा, एक चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लेना। एक चैनल सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल का नाम है, इंग्लिश में लिखना गुरु
और हिंदी में लिख देना लीला, गुरु लीला, ठीक। ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सभी लोग सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब में डाल के गुरु लीला। और इसमें ये मान लो, और ये मान लो अभी आपके जब वीडियो खत्म होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी जाएगी। ये इसलिए क्योंकि यहां पर 1000 सब्सक्राइबर तुरंत करने हैं, जिससे जो क्वेश्चन सीरीज होगी वो यहीं पर लाइव चलेगी गुरु लीला पे, ठीक है। गुरु लीला पर भी लाइव चलेगी, याद कर लेना। तो गुरु लीला चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा हमारे चैनल को, इसको भी सपोर्ट करना है सभी बच्चों को। और एक चैनल तो पता ही है, फिनिक्स एकेडमी फैन क्लब। तो भाई साहब ये तीन चैनल अपने हो गए, ठीक है। चलो आगे, तो गुरु लीला को काट देते हैं। सभी बच्चों में पता चल गया कि गुरुओं की लीला यहां पर देखोगे। चलो भाई साहब, राम भगवान रावण नहीं हम लोग, ठीक है, टीचर हैं, बस इतना याद करके चलना। चलो बिल्कुल, बहुत बढ़िया खुशबू कुमारी जी, आप बहुत मस्त पढ़ाते हो सर, दिल खुश कर दिया, आज से मैं आपके फैन हो गई। यार क्या बात है भाई साहब, सब फैन हो जाएंगे तो कूलर कौन बनेगा, एसी कौन बनेगा, हा? अरे सुधीर ठाकुर तो कह रहे हैं मैं श्रीलंका से हूं। भाई साहब बताओ, लिवाला हूं मैं, हा? श्रीलंका से लिवाने आ रहा हूं मैं, क्या बात है यार बिल्कुल भाई गजब की बात करते हो तुम लोग, दिल खुश कर देते हो। चलो भैया मेरे, बचवा मेरे, लगा ले चैप्टर, उसका नाम है सेन वंस। दिमाग की नसों में जाके बैठता होगा सेन वंस। भाई जब सेन वंस के बारे में देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया टॉपिक है सेन वंस के बारे में। तो सेन वंस में सबसे पहला प्रश्न आएगा जो सब में आता है, कि सेन वंस का संस्थापक कौन था। सेन वंश का संस्थापक था जिसका नाम था सामंत सेन। क्या नाम था? सामंत सेन, क्लियर है। फिर सेन वंश की कैपिटल मतलब राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी नदिया, और नदिया कहां पड़ती थी? लखनऊती, और लखनऊती कहां पड़ता था? पश्चिम बंगाल, क्लियर हो गई बात। इतनी बात उम्मीद करते बच्चों समझ में आ गई होगी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया, हाँ जबरदस्त, बहुत बढ़िया, हाँ राम राम आकाश जी, हाँ नदिया थी राजधानी, पता चल गया। हाँ अब देखो, सेन वंश के जो प्रमुख शासक थे उनमें थे विजय सेन, लक्ष्मण सेन और बल्लाल सेन, इस प्रकार के शासक थे। लेकिन हम सामंत सेन जो संस्थापक थे, इनकी ये राजधानी और केवल संस्थापक याद करते हैं। इसके बाद जो सामंत सेन, जो भी शासक होते हैं हम गोले में बंद कर देते हैं उनको। सामंत सेन के बाद जो गद्दी पर बैठे उनका नाम पड़ा विजय सेन। क्या पड़ा? विजय सेन। तो भाई साहब सामंत सेन के बाद विजय सेन को समझते हैं बहुत ही जबरदस्त अंदाज में, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हंसना चाहिए बीच बीच में, बिल्कुल सही है। बालक लाइक कम है, थोड़ा सा बढ़ा दो, लाइक कम है कहे कि थोड़ा सा गिरावट आज देखे मिल रही है, लाइक जल्दी जल्दी मार दो फटाक, तो जेकर जेकर लाइक रही हो, और बहुत बच्चा तो डिसलाइको कर जानेगा आप कि कितने डिसलाइक मारे खे। बिल्कुल, फिर देखो बहुत ध्यान से, विजय सेन जो था वो सेन वंश का महान शासक था, महान शासक था। और विजय सेन के समय में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इनके दरबार में कवि रहते थे, और उन कवि का नाम था श्रीहर्ष। श्रीहर्ष कवि रहते थे, किसके दरबार में रहते थे? विजय सेन के दरबार में। और श्रीहर्ष ने एक पुस्तक लिखी, विजय प्रशस्ति काव्य, विजय प्रशस्ति काव्य। तो विजय प्रशस्ति काव्य जो पुस्तक लिखी किसने लिखी? तो भाई साहब वो लिखी विजय सेन ने,
अब विजय सेन ने पुस्तक लिखी, सॉरी विजय सेन के दरबार में रहने वाले कवि का नाम था श्रीहर्ष, श्रीहर्ष ने पुस्तक लिखी जिसको कहते थे विजय प्रशस्ति काव्य। क्लियर हो गई बात? इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगला शासक जो है वो आएगा बल्लाल सेन। बल्लाल सेन, बल्लाल सेन का सबसे पहला प्रश्न बहुत अच्छा है, क्या है तो देखो, इसने क्या किया, बंगाल में जाति प्रथा एवं दास प्रथा का क्या कर दिया, अंत कर दिया। जाति प्रथा तथा दास प्रथा का अंत कर दिया किसने, बल्लाल सेन ने। फिर बल्लाल सेन ने एक पुस्तक लिखना चालू किया जिसका नाम रखा अद्भुत सागर। अद्भुत सागर, लेकिन यह पुस्तक पूरी नहीं कर पाया। तो इस पुस्तक को पूरा किसने किया, पूर्ण किसने किया, तो पूर्ण किया जो बल्लाल सेन के बाद अगला शासक गद्दी पर बैठा जिसका नाम था लक्ष्मण सेन। तो पेपर में बहुत जबरदस्त बता ले जाओगे कि अद्भुत सागर पुस्तक स्टार्ट किसने की थी, तो अद्भुत सागर पुस्तक स्टार्ट की थी बल्लाल सेन ने, लेकिन अद्भुत सागर को पूरा किसने किया, तो अद्भुत सागर को पूरा किया लक्ष्मण सेन ने पूरा किया। तो इस प्रकार ये प्रश्न तुम्हारे दिमाग में पता चल गया। क्लियर है? ये दिमाग में तुम्हारा प्रश्न समझ में आ गया। क्लियर? फिर भाई साहब बहुत जबरदस्त यहां पर इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, क्या याद रखना, लक्ष्मण सेन के बारे में। तो लक्ष्मण सेन के बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, इसने अपनी कैपिटल बनाई लखनौती को, ये तो नदिया का बनाया रहे, इसने अपनी कैपिटल बना दी लखनौती और बंगाल का अंतिम हिंदू सम्राट, बंगाल का अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू राजा या शासक या सम्राट कौन था, यही था। और लक्ष्मण सेन के दरबार में एक कवि रहते थे, वो कवि बहुत फेमस हैं, जिनका नाम था जयदेव, और जयदेव ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीत गोविंद। पेपर की फेवरेट पुस्तक कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव, और जयदेव किसके दरबार में रहते थे, तो सेन वंश के राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे जयदेव, जयदेव ने पुस्तक लिख डाली जिसका नाम था गीत गोविंद, और लक्ष्मण सेन जो थे बंगाल का अंतिम हिंदू सम्राट था, याद कर लेना भाई साहब। और इसने अद्भुत सागर पुस्तक को पूरा भी किया था। क्लियर है? बहुत बढ़िया। खुशबू कुमारी जी आप बॉयज पे ऑब्जेक्शन कर रही हैं कि यहाँ पे जितने बचुआ हैं मतलब बालक, वो लोग वीडियो को लाइक नहीं करते सर जी, वही लोग डिसलाइक करते हैं। तो बेटिया ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी लड़का लड़की जो भी हो सब समान होते हैं, भगवान ने बुद्धि सबको समान दी, सिर्फ क्या है ना, लड़का लड़की में भेदभाव आपस में नहीं करेंगे हम, क्योंकि भाई साहब सब हमारे लिए बचुआ हैं और सब प्यारे प्यारे बहन हैं, भाई हैं, बिटिया हैं। ठीक है, चल। हाँ अच्छा, नियाल पांडे जी कह रहे हैं इस बार कोचिंग खुल लें तो सर जी उन्नाव में, उन्नाव में बिल्कुल मतलब फिनिक्स में ही पढ़ने आना है ऑफलाइन में। तो भाई साहब ऑफलाइन में तो आपका सभी का स्वागत है, उन्नाव आकर हम आपको प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे, और प्रत्यक्ष रूप जब यहां कहते हो हल्ला कर देते हो तो वहां पर हल्ला कैसा होता होगा। चलो बहुत बढ़िया, हाँ जबरदस्त। अच्छा गुरु लीला चैनल नहीं मिल रहा है, तो गुरु लीला चैनल भाई साहब आपको अभी वीडियो जब समाप्त होगी तो डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक लगा दी जाएगी, तो वहां से गुरु लीला चैनल आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब इतनी बातें प्रश्न तुमको याद रखने हैं, पूरा का पूरा सेन वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुरु लीला को डाल दिया गया, आप लोग फटाफट देख लो। सत्येंद्र राम आपका हमने नाम ले लिया, दीपाली भार्गव आप कह रही ज्योग्राफी पढ़ाओ, बिटिया क्या करे आधे बच्चों का छोड़ दे हिस्ट्री के कच्चा माधा है। दीपाली जी आप ही बताइए हमें बेटा,
हम अपने बच्चों को छोड़ तो सकते नहीं, और हम ऐसे वैसे मास्टर तो है नहीं कि सीरियल बिगाड़ दे। और जिन और मास्टर नहीं करते कि आ गए बच्चन का अट्रैक्ट करने के लिए, गुप्त वंश, मौर्य वंश, आज होगा महाजनपद का उदय, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बस इतने पढ़ावत है, इतने पढ़ावत है, काम खत्म कर देवत। ये सब पढ़ाते नहीं, को कहे नहीं पढ़ावत, क्योंकि वो जोड़ ही नहीं पावत है, कॉन्सेप्ट नहीं जोड़ पावत कहां पर का है। अरे भैया मेन पढ़ाई तो तम ही मानी जात, हर एक चीज जब पढ़ी सब चीज जुड़ी हो, सब चीज आती हो, पता लगा गीत गोविंद हम लोग वन लाइनर में रट रहे, आज तक पते ना रहे गीत गोविंद कई के दरबार में लिखी गई रहे, लक्ष्मण सेन के दरबार में, कौने वंश के राजा रहे सेन वंश के, राजधानी का रहे लखनऊती रहे, संस्थापक को रहे सामंत सेन रहे, अंतिम हिंदू सम्राट रहे बंगाल के। तो बिटिया हर एक चीज पढ़ाने दो हमें, ठीक है, हमें अपने हिसाब से चलने दो, वरना आप अपने हिसाब से हमसे काम करा लो। अगर आप अपने हिसाब से कराओगे फेल हो जाओगे, हमें अपने हिसाब से चलने दोगे आतंक ढा देंगे, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, तो सेन वंश काम खत्म, सेन वंश का काम खत्म, क्लियर। हाँ प्रीति जी करे पेड क्लासेस भी चलाते, पेड क्लासेस हमारे स्टडी पाई एप्लीकेशन पे हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अभिषेक जी बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ पिछले वीडियो पार्ट बाई पार्ट देख लो, बिल्कुल। हाँ लाइक ठोक दो, शेयर ठोक दो, आतंक ढा दो भाई साहब। और बता रहा हूं 1000 बच्चे का टारगेट है, 1000 बच्चे जिस दिन आ गए उस दिन केक थड़ा 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 कटेगा और सब में बटेगा, खाएंगे नहीं तुमको बांट देंगे, कैमरा लगा देंगे, तुम लोग ऐसे 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 खा लेना, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, गजब, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अच्छा गोलू यादव जी आप भी कानपुर से पढ़ने आएंगे मेरे पास, सुनना हो क्या बात है, ठीक है बिल्कुल। हाँ हमसे पढ़ रहे बिल्कुल। हाँ सेन वंश काम खत्म, सेन वंश के बाद बिटिया आगे देखो गौड़ वंश, तो गौड़ वंश में हम ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे, बिल्कुल इत्तू सा, कितना बताएंगे इत्तू सा, ज्यादा नहीं इत्तू सा। गौड़ वंश, गौड़ वंश भी कहां का वंश है, बंगाल का। भाई साहब गौड़ वंश के संस्थापक याद कर लो, क्या नाम था, शशांक। ओ भैया शशांक गौड़ वंश के कार हैं संस्थापक, क्लियर। तो गौड़ वंश के संस्थापक कौन थे, शशांक थे, इतनी बात क्लियर। अब याद रखिएगा ये वही शशांक थे जिन बच्चों ने वर्धन वंश पढ़ा था, जहां पे मैं बताना चाहता हूं प्रभाकर वर्धन के दो बेटे रहे राज्यवर्धन हर्षवर्धन और कन्याश्री बिटिया रहे, कन्याश्री का विवाह कर दिनगर रहे ग्रह वर्मा के साथ, कन्नौज के राजा रहे, याद कर लेना सब लोग, कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा के साथ विवाह हुई गया रहे, शादी हुई गया रहे, वहां मालवा का शासक आता देवगुप्त उड़ा देता, किसको उड़ा देता भाई साहब, ग्रह वर्मा का। अब राज्यवर्धन जो कन्याश्री का बड़ा भाई बहुत गुस्सा आया, वो गया देवगुप्त को उड़ा दिया, और भाई साहब जब देवगुप्त को उड़ा दिया तो भाई साहब देवगुप्त का मित्र कौन था, शशांक था, शशांक गए कन्याश्री के बड़े भैया राज्यवर्धन का उड़ा दिन, काम खत्म इनका। फिर भाई साहब अब जब राज्यवर्धन मर गए कन्याश्री बंदी बना ले गया ये शशांक, तुरंत उसका छोटा भाई हर्षवर्धन गया और कन्याश्री को क्या कर दिया, इसकी कैद से आजाद करवाया अपनी दीदी को, और साथ में इनका उड़ा दिया शशांक का काम कर। फिर हर्षवर्धन शासक बन के राजा करता है, राज्य करता है जबरदस्त अंदाज में, क्लियर है, बहुत बढ़िया जबरदस्त। देखो राजस्थान से भी बच्चे देख रहे हैं, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, आग लग गई यार। चलो बहुत बढ़िया जबरदस्त अंदाज है, ठीक है। अंबु सर का कहना है कि वो बीमार हैं, तो जो 8:30 बजे कक्षा चलती थी एसडी यादव की मैथ की, तो आज वो नहीं चल पाएगी, और 11:30 बजे कल आरएस अग्रवाल की कक्षा चलेगी, तब तक आप एसडी यादव का रिवीजन कर लीजिए, ठीक है।
बिल्कुल बहुत बढ़िया। खुशबू जी कह रहे हैं सर आप एक बैच पटना में खोलिए, आपका बैच तुरंत फुल हो जाएगा, क्या बात है। अच्छा प्रयागराज में भी हम खोल दें ब्रांच अपनी। अरे बिटिया हमका उन्नाव में रहेगा, उन्नाव बाहर नहीं जाएगा, पहले बता दिया, हमारी हम मम्मी पापा रहते हैं। चलो एक हमारे क्या मास्टर हैं साइंस के जिनका जाना था सचान सर, वो एक आज नून रोटी खाएंगे उन्नाव में पढ़ेंगे, ठीक। चलो भाई साहब इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई साहब शशांक के बारे में इतनी बात समझ लो, शशांक की हत्या कौन कर देता है? तो शशांक की हत्या कर देता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन क्लियर। एक प्रश्न और आता है कि शशांक ने एक काम किया था, क्या किया था वो काम? किया था बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष को क्या किया था इन्होंने? कटवा दिया था। किसने कटवा दिया था? शशांक ने। तो पेपर में प्रश्न बहुत तगड़ा आता है, बोधि वृक्ष को कटवाने वाले राजा का क्या नाम है? शशांक। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब झांसी रायबरेली सब जगह न लगाओ कि यहाँ यहाँ कोचिंग खोलो, हम कहूं ना खुलबे कोचिंग, हम यहाँ उन्नाव रही बे। हाँ उन्नाव मेले को जी आ जाओ, ठीक। हाँ मम्मी पापा यहाँ रहा, तुम मम्मी पापा छोड़ के कहूँ ना जी बे। चलो इतनी बात क्लियर। आगे देखो हम उनके पीछे नौकरी छोड़े मम्मी पापा पास रहे खातिन, और तुम हम अपने यहाँ बुला रहे हो। चलो बाकी तुम्हारे मम्मी पापा सबको आंटी एंड अंकल दादा दादी चाचा चाची को हम रोज आशीर्वाद लेते तो हैं, ठीक। चलो अच्छा ये लोग कह रहे पटना आओ सर जी एक बार घूमे। अरे पटना आई हुए लेकिन यार बच्चा अच्छा तो बनाओ, बच्चा ज्यादा ज्यादा करो, मजा आइए। गौड़वन समझ में आ गया? फिर उसके बाद यहां याद रखिएगा बल्लभी के, बल्लभी का मैत्रक वंश, सब छोटे छोटे वंश हैं, बल्लभी का मैत्रक वंश। तो बल्लभी का मैत्रक वंश भी देख लो भाई साहब। बल्लभी कहां पड़ता है पहली बात तो ये कन्फर्म कर लो, बल्लभी पड़ता है गुजरात में। बल्लभी कहां पड़ता है? गुजरात में, बिल्कुल। अब यहीं पे याद रखिएगा बल्लभी के फाउंडर कौन थे? फाउंडर जिनका नाम था भट्टारक। क्या नाम था? भट्टारक। क्लियर। और याद रखिएगा बल्लभी जो था वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध तथा जैन दोनों का शिक्षा का केंद्र कौन था? उसका नाम था बल्लभी। बल्लभी का मैत्रक वंश भी समाप्त हो गया। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। इतनी बातें उम्मीद करते तुम्हें दिमाग में बैठ गई हुई है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा हम राजस्थान आएंगे आप हमें घुमाओगे बेटा। अबे सब लोग कह रहे हो पता, और जब आई बे और फोन करी बे तब कहू ना साथ दे। अरे भगाओ, ठीक मास्टर आगे फालतू खइए पिए चौड़े हुई के रहिए। चलो सब झूठी बोलो तो केवल झूठी बोलो, कुछ ना करो, है ना, झूठी झूठी बोल बोल हमका घुमाए परे हो। चलो फिर भाई साहब अब वंश लगेंगे कौन? कश्मीर के। देखो पहुंच जाते हैं कश्मीर के राजवंश। कश्मीर के राजवंश, कश्मीर में हमने तुमको एक ट्रिक याद कराई काउल। कश्मीर में कौन कौन वंशों ने शासन किया? तो काउल। काउल काउल का मतलब क्या है तो बताना चाहते हैं। का से क्या बना? कारकोट वंश। का से बना कारकोट वंश, ऊ से क्या बना? उत्पल वंश, और ला से क्या बना? लाहौर वंश, लोहार वंश, सॉरी लोहार वंश, लाहौर निकल गया, अपने दुश्मन का नाम नहीं करेगा यार। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये तीनों वंश कहां शासन करे? ये तीनों वंश शासन किए कश्मीर के। तो पेपर में आ गए आज है प्रश्न, तीनों आप क्रम से बता दोगे कि कारकोट, कारकोट के बाद उत्पल, उत्पल के बाद लोहार, ये सब तीनों वंश कहां रहे? ये तीनों तीनों रहे यहीं पर, ठीक है। बहुत बढ़िया।
बिल्कुल हाँ। अब बात समझो बहुत ध्यान से, इनके संस्थापक याद कर लो, तो कारकोट वंश का जो फाउंडर, तीनों फाउंडर एक साथ थे बताए दे रहे हैं, जो कारकोट वंश का संस्थापक था उसका नाम था दुर्लभ वर्धन, और उत्पल वंश का जो संस्थापक था, जो उत्पल वंश का संस्थापक था उसका नाम था अवंती वर्मन, और एक लोहार वंश का संस्थापक था जिसका नाम था संग्राम राज। ये तीनों संस्थापक आपको याद रखने हैं, क्लियर है? दुर्लभवर्धन, अवंती वर्मन और संग्राम राज, क्लियर? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक प्रश्न आता है, आप लोग पहली वीडियो में पढ़े हुई हो जब हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ा रहे हैं कि कश्मीर का इतिहास कौन सी पुस्तक से पता चलता है, तो हमने बताया था उस पुस्तक का नाम था जिसको कहते थे राज तरंगिणी, और इस राज तरंगिणी के लेखक कौन थे, तो राज तरंगिणी के लेखक थे जिनका नाम था कल्लड़, याद कर लेना। कश्मीर का इतिहास हमें पता चलता है राज तरंगिणी पुस्तक से जिसके लेखक थे कल्लड़ के बारे में, क्लियर हो गया? क्लियर है? मदनलाल, आप सर जी लूसेंट के समंदर हैं, क्या बात है, सौभाग्य सैनी आपकी आवाज मस्त है। अरे भाई साहब बिल्कुल हाँ, बच्चा पूछ रहा है सर जी बता दो कि जो कल्लड़ हुआ करते थे किसके दरबार में रहते थे, तो कल्लड़ जो रहते थे दरबारी कवि थे, वो एक लोहार वंश था, लोहार वंश के राजा थे जिनका नाम था हर्ष के दरबार के कवि थे। बाकी और कुछ यहां पर नया करो, बाकी कुछ जरूरतें नहीं है, कुछ हो सकते हैं, ये काम खत्म, इतना आवश्यक था, हम सब पूरा बता दिया। हाँ बता तो दिया बेटा, अरे सर जरा ये इनको ब्लॉक कर दीजिए, शुभम आलोक जी को तुरंत ब्लॉक कर दीजिए आप, लच ऑफिशियल पे शुभम आलोक जी को ब्लॉक करिए तुरंत, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, शुभम आलोक जी को ब्लॉक करो तुरंत। देखो जिसको ना पढ़ना हो जाए, अपनी भैंस चराए, ठीक है, यहां पे खिलवाड़ नहीं चल रहा है। अरे आप पढ़ने आते हो कि मजाक करते हो, हाँ खैरात का पढ़ा रहे हैं? तभी यहां पे लैंग्वेज का यूज करते हो, प्रियंका शर्मा जी को भी ब्लॉक कर दीजिए। सच में जान गए, YouTube के बच्चे महा गधे होते हैं, गधे, उससे भी बड़ा शब्द यूज करो ना बेकार है, ये मान लो।
क्यों? क्योंकि उनको रत्ती भर की तमीज नहीं है, रत्ती भर की। हम इन बच्चों के माता पिता को अपना माता पिता मान के डेली आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब तुम लोग एक सीरियस स्टूडेंट मान के चलते, लेकिन तुम लोग गधे के बराबर हो, गधे से भी ज्यादा बदतर हो, ये मान चलो। तुम लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हो ना कि तुरंत लगता है कि सब छोड़ छाड़ दे, कुछ ना पढ़ाए, कोई आवश्यकता नहीं। अरे यार, कोई यहां पे मेहनत से पढ़ा रहा है और तुम उसका रिस्पांस यहां पे आपस में अलग अलग बातें बना के कर रहा हो। लैंग्वेज का यूज करना जानते हो? थोड़ी लैंग्वेज अच्छी रखो, वरना जो यहां पे बोल रहे हो ना, अपनी मम्मी को बोल रहे हो, याद कर लेना, अपने मां बाप को बोलो जाके इस तरह। मान लिया कि सब नहीं होते, चलो माना, बट यार ये स्टूडेंट के लायक ही नहीं है, पता नहीं इनको स्टूडेंट किसने बना दिया। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन तुम लोग बदतमीजी ना करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें कंटेंट खैरात में मिल रहा है, फ्री का मिल रहा है, इसीलिए तो तवज्जो नहीं दे पाते हो। केवल बस इतना करने जानते हो कि यहां पे हल्ला बोलना जानते हैं सर जी, यहां पे पढ़ाते कम है बोलते ज्यादा है। अरे मिला के देख लेना किसी भी क्लास से ज्यादा, पूरा का पूरा कंटेंट दिया है मैंने ओरिजिनल। आज 21वीं क्लास है, एक 22वीं नहीं है, 21वीं क्लास है। 21वीं क्लास में प्राचीन इतिहास अंतिम चरण पे खत्म हो गई, यहां पे एक लास्ट टॉपिक तुम्हारा बचा है, बस काम खत्म। राजपूतों राजवंशों की उत्पत्ति है, राजपूत राजवंशों की, जहां पे चंदेल सोलंकी गुर्जर प्रतिहार ये सब पढ़ोगे, पूरा का पूरा मामला समाप्त हो गया। लेकिन तुम लोग ऐसी बदतमीजी करते हो ना, तो जिसने जन्म दिया ना उसको भी शर्म आती होगी हमने ऐसे बच्चे पैदा कर दिए। अरे यार पढ़ने आते हो भाई साहब, ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे कमेंट कर दो। हम बार बार कहते हैं यार बताओ क्या जरूरत है यार तुम लोगों के लिए इतना हमें त्याग करने की। बेटा निहाल एक सभी बच्चे कह रहे हैं इग्नोर करो, इग्नोर करते, बहुत इग्नोर करता मैं, पता है। मैं अगर यहां पढ़ाता हूं तो एक बार ये लगता है बच्चे मेरे क्या कह रहे हैं, बच्चे देखते हैं बच्चे वही बदतमीजी कर रहे हैं, बोलना पड़ता है, मजबूरन बोलना पड़ता है यार। बस क्या चाहते हो, मतलब मैं यहां पे रो दूं कि यार मत करो ऐसा प्लीज, तभी तुम मानोगे। अगर आप सामने होते ना तो मैं बताता, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो वहां से जो बदतमीजी करनी करे ले रहे हो, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, पूरा का पूरा ही हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब
जो बताना चाहते हैं। एक प्रश्न याद रखिएगा, इसी के साथ साथ एक सीमावर्ती राज्य पड़ता था जिसको कहते थे असम में। तो असम में जो पड़ता था वहां पे एक वंश का उदय हुआ जिसको कहते थे कामरूप का वर्मन वंश, कामरूप का वर्मन वंश। और कामरूप का जो वर्मन वंश है बहुत ही ज्यादा फेमस है। पेपर में प्रश्न पता है क्या आता है, मैं बताता हूं, पेपर में प्रश्न आता है और कुछ नहीं आता, मैं बताता हूं क्या आता है, कुछ नहीं आता। ये कामरूप किसका प्राचीन नाम है, ओल्ड नेम। तो कामरूप किसका प्राचीन नाम है, असम का, ठीक है, असम का प्राचीन नाम है क्या, कामरूप, बिल्कुल हिस्ट्री से आल एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल। बिल्कुल चलो। सपना जी उपदेत एवल बिल्कुल फर्स्ट क्लास ईच, बिल्कुल। हाँ ब्लॉक कर दिया ऐसे बच्चों को, ठीक है। तो बच्चे आज के पूरा का सीमावर्ती राजवंशों का उदय हमने पूरा का पूरा अच्छे समझा दिया। अब सबसे बड़ी बात हम बताना चाहते हैं आपको, जो समझ लो सभी लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है, उस चैनल का नाम क्या है, गुरु लिखना है फिर लीला लिखना है, गैप नहीं देना है, गुरु लीला ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये हमारा ही चैनल है जिसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। दूसरा और एक चैनल और यार देख लो, फिनिक्स एकेडमी फैन क्लब, ठीक है। चल क्लियर हो गई बात, इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। चलो बहुत बढ़िया, माफ कर दिया भाई साहब, माफ करने वाले हम होते नहीं, उनके माँ बाप खुद ही देखते होंगे कि हमारे बच्चे किस तरह के हैं। चलो मुकुंद जी कह रहे हैं बत्तमी जी एक दो करते भुगतना सब तो पड़ता है। तो भाई साहब एक कहावत तो बचपन से सुनी होगी, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो गुण तुम नहीं हो भाई साहब, परेशान ना हो, ठीक है, मजाक कर रहा। चलो क्लियर है, बिल्कुल वेरी नाइस एक्सप्लेन पॉइंट टू पॉइंट, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलो आज का जो हमने मैप बनाया था तो मैं वो दिखा देता हूं एक बार सभी बच्चों को। भाई साहब आज हमने ये पढ़ा था, आज हमने ये पढ़ा था, उड़ा के फेंक दिया, उड़ा के पूरा का पूरा फेंक दिया, लेक्चर नंबर 21 में, ठीक है, बिल्कुल। बेटा तजेंद्र बीपीएससी की तैयारी हो जाएगी, तुम परेशान मत हो, ठीक है। चलो हाँ हाँ जिन बच्चों, देखो जिन बच्चों को मेरा त्रिशूल बैच जीएस का ज्वाइन करना है, त्रिशूल बैच, वो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें जिसका नाम है स्टडी पाई, स्टडी पाई, गूगल प्ले स्टोर से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें स्टडी पाई, वहां से आपको त्रिशूल बैच मिल जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, हाँ और जो दिक्कत आया करे तो स्क्रीन पे जो नंबर रहता है उस पे आप कॉल कर लिया करें, ठीक है। हाँ बेटा लतेज जी कह रहे कितने बजे क्लास होती है, तो क्लास होती है बेटा शाम को 7 बजे, ठीक है। बिल्कुल मजा आ गया, चलिए साथियों तो विदा लेने का वक्त हो गया, जाने का दिल तो नहीं करता बट जाना पड़ता है, मजबूरी है, ठीक है। चलो आज की क्लास तो बहुत लंबी हो गई, कितनी देर की क्लास चल गई आज, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, आज की क्लास बढ़िया चल गई, लंबी चल गई है ना। चलो हाँ भाई साहब, अरे यार जिनका लाइक शेयर रहेगा तो लाइक शेयर तो मार दो, अपना अपना लाइक तो दबा दो, और जिन बच्चों को लगाओ कि डिसलाइक के लायक हूं मैं तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। चलो हाँ बेटा 10% ऑफर चल रहा है त्रिशूल बैच में, जो स्टडी पाई ऐप है वहां पे 10% डिस्काउंट चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। त्रिशूल बैच अगर मेरा आप ज्वाइन करते हो जीएस का तो वहां पे 10% ऑफ चल रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया जबरदस्त, कल मिलते हैं आपको शाम को 7 बजे एक ताबड़तोड़ अंदाज में जबरदस्त तरीके से। और भाई साहब एक खुशखबरी तो मैं सुना के जाता हूं, खुशखबरी तो सुन लो तभी तो जाना, नहीं तो ऐसे जाओगे कहां।
देखो, एक तुम लोग कमेंट करके बताओ फटाक से जल्दी से कि प्राचीन इतिहास समाप्त हो गई हमारी, प्राचीन इतिहास क्या हो गई समाप्त। और जब प्राचीन इतिहास हो गई हमारी समाप्त, तो भाई साहब ये बात बताओ बड़े अच्छे से कि प्राचीन इतिहास समाप्त होने के बाद इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मतलब भाई प्राचीन इतिहास के 2-3 लेक्चर बाकी हैं, वो पूरे कंप्लीट करा देंगे, तो प्राचीन इतिहास की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। कितने बच्चों को लगता है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए सर जी, जल्दी बताओ फटाफट। कितने बच्चों को लग रहा है कि प्राचीन इतिहास की प्रैक्टिस होनी चाहिए? लाल बहादुर जी जहां पे फीस दिखा रहा है वहां पे आप कूपन कोड यूज करिए, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा होनी चाहिए, सभी बच्चे कह रहे हैं होनी चाहिए। जब प्रैक्टिस होने के बाद, इसके बाद ही मध्यकाल में हम इंटर मारेंगे, ठीक है, इंटर मारेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए भी सारे के सारे प्रश्न हम लोग पहले पूरे कवर करेंगे, प्राचीन इतिहास के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जितने प्रश्न होंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कह रहे हैं हाँ होनी चाहिए सर जी, क्योंकि एक एक टॉपिक फिर एक एक प्रैक्टिस, एक एक टॉपिक एक एक प्रैक्टिस। तो साथियों विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं आपको कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हमारे सारे बचुआ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।